नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मिश्रा और आज हमारे साथ हैं शरद मल्होत्रा एक बहुत प्यारी सी शॉर्ट फिल्म के साथ जिसमें वो दिखे हैं और मैंने पर्सनली ये फिल्म देखी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। जी थैंक यू। आप मुझे बताइए यार, देखिए हमने तो काम किया है, हमें तो ऑब्वियसली अच्छी लगी इसलिए हमने काम किया, उसका हिस्सा बने, बट एज व्यूअर्स मुझे बहुत ज़रूरी है जानना कि फीडबैक कैसा रहा है। आज फिल्म रिलीज़ हुई है एक्चुअली, बहुत टाइम से बातें चल रही थी कि हम रिलीज़ करेंगे बिकॉज सब्जेक्ट थोड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा, इट्स सेंसिटिव, इट्स थोड़ा एक हमारे देश में लोगों को अब एक एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी लोग खुल के बातें नहीं कर रहे हैं, बट हाँ इवेंचुअली लोग करेंगे आगे चल के लाइफ में, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, इट्स एन इमोशन। अगर आप सेम सेक्स के लिए जो फील करें या अपोजिट सेक्स के लिए करें, प्यार प्यार होता है, यू नो, सो उसकी कोई कास्ट, क्रीड, कलर कुछ नहीं होता है। जब पलाश से बात की तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे आपके साथ वो किचन वाला शूट करने में, तो आप थे ना? मुझे किचन वाले में बहुत मज़ा आया करने में और मैं चाहता था कि पलाश थोड़ा सा नर्वस हो, उसने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो नर्वस, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज इट वॉज कमिंग वेरी नेचुरली टू हिम, मे बी ही न्यू द कैरेक्टर सो वेल, उसी ने लिखा था तो ही वॉज लिविंग इट। बट फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब उसने, मुझे याद है मुझे जब उसने नरेट किया फ़ोन पे, तो दो मिनट के लिए मैं चुप रहा, मैंने कहा कि मैं करूं कि नहीं करूं, बिकॉज पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, मीडिया का रिएक्शन क्या होगा, फैंस का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, मेरे फ्रेंड्स का क्या होगा, बट लकीली आई थिंक फॉर्चुनेटली आई एम सो हैप्पी दैट बीट माई फैंस, माई व्यूअर्स, देव लव्ड इट, देव लव्ड द कोर ऑफ द फिल्म, द इमोशन ऑफ अ मदर एंड सन, द रिलेशन जो है, माँ कितना कुछ सहती है यार और वो कुछ बोलती नहीं, और बेटा भी कितना कुछ, बेटे का अलग ट्रैक चल रहा है, माँ का अलग ट्रैक चल रहा है, लेकिन दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, बेटे की चॉइस कुछ और है और माँ की चॉइस कुछ और है, बट इट्स ब्यूटिफुल, इट्स गॉट सो मच अ लेयरिंग टू इट, कि एज एन एक्टर मेरे लिए भी पहली बार था टू फील समथिंग फॉर द सेम सेक्स, इजी नहीं था, but I think usually I've just been romancing women all these years and I love doing that, I love romancing all my leading ladies, I think they're amazing, but to romance somebody of the same sex mujhe samajhna pada bahut kuch, mujhe literally character ko samajhna pada, so it was not easy, but then when I started enjoying and I started feeling the character, then I really enjoyed it. I think Palash thoda beech mein nervous ho gaye the, he told me that I was very nervous, he did a fab job, I think Palash is obviously इतने साल से कास्टिंग में है, तो एज एन एक्टर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सो या इट्स ग्रेट। आकांक्षा पुरी भी आई थी, स्पेशल अपीयरेंस था, उनके साथ काम करके कैसा लगा? कुछ एक्सप्लोर किया वैसे? आकांक्षा के साथ मेरा पहला आई थिंक एक्सपीरियंस रहा है, वेरी नेचुरल एक्ट्रेस और बहुत बिंदास है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, और आई थिंक उसके साथ मेरा शायद एक सीन था, उसमें हल्का सा लिप लॉक है, तो उसको लेकर फिर बहुत बातें हुई सेट पर कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो मैंने कहा यार मतलब अब चूंकि मैंने कभी पहले किया नहीं था, तो हल्का सा एक था कि डिस्कस करते हैं, ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे, अब जो करना है कर देते हैं, तो हमने कर दिया एंड लकीली यू नो वी बोथ वर कंफर्टेबल, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, लाइकिंग है, एज एक्टर्स, एज शी नाइस गर्ल, और एक जान पहचान भी है, तो एक ईजी फैक्टर था, तो ऑकवर्डनेस नहीं थी लकीली, सो अच्छा रहा। कमेंट्स पढ़ रही थी ना कि मैंने तो स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं आपको दिखाने के लिए, लोगों ने ना ये पूछा है, लोगों ने ये पूछा है कि भाई शरद जी जो है कब आएंगे, देखिए कब आएंगे टीवी पर। अच्छा अच्छा जी जी जी, प्लीज कम बैक ऑन टेलीविजन शरद मल्होत्रा सर, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, मिसिंग यू ऑन टीवी सिंस 3 इयर्स। यस, आई थिंक दिस हैज बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग ब्रेक फॉर मी एंड आई थिंक मुझे पता नहीं कब होगा, बट अगली बार भी यही पूछा था लिटरली मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता नहीं कि कब होगा, कब होगा नहीं पता, नहीं कहाँ होगा ये नहीं पता, फैंस पूछ रहे हैं ना कहाँ होगा मुझे नहीं पता, कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप आएंगे जरूर, बिल्कुल एक दिन मतलब आना ही पड़ेगा यार, आप तो कह रहे हैं कि मतलब मैंने मतलब रिटायरमेंट ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है यार, जस्ट टेकन अ ब्रेक, आई नो आई रियली मिस देम टू, मुझे बहुत सारे लोग इतने DMs इतने मेल्स करते हैं कि यार मतलब अब तो इरिटेट हो चुके हैं एकदम, वो गुस्से में करते हैं अरे अब तो आ जाओ यार, क्यों नहीं आ रहे यार, अब हक से बोलते हैं अरे आना पड़ेगा, सो आई लव दैट लगातार ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि आओ, से पूछा था और मैंने आपसे कुछ कहा भी था कि हो सकता है TV हो सकता है OTT हो सकता है फिल्म हो सकता है स्टेज हो थिएटर हो कहीं भी हो सकता है शॉर्ट फिल्म हो, बट हाँ मतलब मैं दिखूँगा। अच्छा कभी ऐसा कुछ रियलिटी शो में जाने का आपने कभी सोचा है? खतरों खिलाड़ी आ गया बिग, ऐसा यार खतरों के खिलाड़ी ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसे आई थिंक
या सोचते तो हर साल हैं कि मन किया तो करेंगे, और आई थिंक बट चूँकि आई एम लिटिल बिजी विद सम अदर कमिटमेंट्स, तो उस चक्कर में पिछले कुछ सालों से हो नहीं पा रहा है, बट लेट्स होप अगर टाइम मिला कभी तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो, ओनली इफ यू वांट टू एंजॉय इट, ऐसा ना हो कि आप इतने एकदम सीरियसली जा रहे हैं। और जाना पसंद नहीं, खतरों के खिलाड़ी में जाएंगे या फिर बिग बॉस? स्टंट्स करना पसंद है तो खतरों के खिलाड़ी पता नहीं हो सकता है ना।